तो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग का एग्ज़ाम था इंग्लिश का, जिसमें आप लोग को 60 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया। फ्रेंडली फ्रेंड्स, आप लोग का जो एग्ज़ाम गया होगा बहुत अच्छा गया हो, आशा करता हूँ अच्छा ही रिजल्ट भी आएगा। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे पास सेट जो है बी है, और आप लोग के पास जो भी सेट है नो प्रॉब्लम, नो टेंशन। जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आप लोग आंसर करते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, मार्थास स्टोरीज वेयर लिस्टेड टू बाय द चिल्ड्रेन विथ, इसका से आंसर हो जाएगा जो। अगला क्वेश्चन हमारे पास है दूसरा नंबर, हु हैज़ रिटन द पोएम द एम्प्टी हार्ट, इसका से आंसर हो जाएगा प्रिया श्यामी थोरन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है तीसरा नंबर, द पोर्टर इज आउट ऑफ, इसका से आंसर हो जाएगा मनी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फोर, द पोएट इज वर्ड वन सेल्यूटेड वांट्स टू लिव, इसका से आंसर हो जाएगा रिमाइंडर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फाइव नंबर में। यहाँ पे देखिए, एन इंडियन फिल्म शॉट स्ट्रेट कलर क्लियर ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिक्स नंबर करा, हु स्विचेज वन द हार्टेड फॉर गिलू, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑथर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, रैपिड मूवमेंट गिव्स यू ए सुपरशियल सेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूजिक। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एट नंबर, अकॉर्डिंग टू जिम Who use electric appliance the most? इसका सही आंसर हो जाएगा यंग गर्ल। अगला क्वेश्चन नाइन नंबर, अगला नंबर है एलर्जेंस आर ऑफ डैश टाइप, इसका सही आंसर हो जाएगा 500% आंसर सही बता रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी मिला लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे 10 नंबर। यहाँ पे है जबड़ा वाज हल्कू डॉग हो जाएगा, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 11 नंबर, हर वॉइस एंड हर नोरोचिन इज फ्रॉम द पोएम, इसका सही आंसर हो जाएगा मार्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, अकॉर्डिंग टू द बीट द लोअर हैड टू रिमेन इन द कॉल फोर डैश ईयर तो 15, इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, हु रिसीव्ड द नोबल प्राइज पेस प्राइज ऑफ वी हैव ऑफ टंग सन सुई की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्सन। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, द ओल्ड ओमेन्स हाउस इज सिचुएटेड आउटसाइड, इसका सही आंसर हो जाएगा टाउन बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर। 15 नंबर यहाँ पे देखिए, व्हेन ओकोलिया सॉ डैश वन हर फ्रॉक सी वाज एनर्जी, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लावर्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 16 नंबर, हेल्थ एंड विट कैन बी फाउंड इन द पीपल ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा विलेज। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, अनुग सन सुई की फोर्थ फोर डैश ऑफ द हुमेन स्प्रिट, इसका सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 18 नंबर, गिलू वाज रेड अंडर द प्लांट, इसका हो जाएगा संजूही ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 19 नंबर, द टू गर्ल्स मालसा एंड अकोलिया हैड गोन टू द डैश प्रेत, इसका हो जाएगा चर्च। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20 नंबर, आरसी हुसैन रोड द रोड डेट द वॉच ए प्ले इन डुबलिन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास 21 नंबर, राधास फ्रेंड्स आर हैप्पी अबाउट राधा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, द प्लॉथिन बैग मैक्स ए डैश नॉइस, इसका सही आंसर हो जाएगा हुमिंग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज़ रिटन द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, द डैश ऑफ द कोयल हैज़ बीन चैरिड बाय द फायर ऑफ लव, इसका सही आंसर हो जाएगा लेग्स। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, इन द टाउन द नाइटिंगल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा म्यूट सी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर यहाँ पे है, इंडियन कल्चर्स इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ इट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देयर वाज डैश लुक आफ्टर सन एंड मून, इसका सही आंसर हो जाएगा एवरीबॉडी। अगला है यहाँ पे 28 नंबर, अकॉर्डिंग टू मार्था लूथर किंग्स जे आर ह्यूमिनिटी कैन नॉट बी बाउंड टू डैश एंड वार, तो इसका जो सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 29 नंबर, व्हेन गिलू वाज हैप्पी ही मेड ए साउंड ऑफ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा चिक चिक बी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 30 नंबर,
द ऑथर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द होपलेस यहाँ पे है होपलेस सिचुएशन व्हेन ही गोज टू वॉच द इसका सही आंसर हो जाएगा सिनेमा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर अकॉर्डिंग टू जिम नोबडी वांट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इसका सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी सी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर यहाँ पे दिया है देख रहे हैं द कलर ऑफ गीलू आइज तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लू। ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे पास है अकोलियस मदर्स स्ट्रोक मालसास मदर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 24 नंबर नो बडीज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी इज सैड बाय इसका सही आंसर हो जाएगा ए जिम। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर बिना पानी मोंटी इज ए वेल नो डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाली। अगला क्वेश्चन 36 नंबर मिस्टर ग्लेजरी वाज ए स्मोकर इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 37 नंबर से पहले मैं बता दूं अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहे। यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन ही सैड वेयर इज माई कार ही आस्ट वेयर वॉज हिज कार इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है सुनीता सैड टू मी थैंक यू सुनीता वॉज थिंकिंग मी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 39 नंबर माई फादर सेड टू मी गो होम माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड्स 40 नंबर देखेंगे आशा सेड आई नेवर ईट फिश इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आशा सेड डैट सी नेवर एट फिश। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे 41 नंबर पेसिव वॉइस ऑफ मिस्टर सिन्हा टीचर्स यस फिजिक्स इज यहाँ लिखेंगे इसका सही आंसर सी वी हैव बीन टाउट फिजिक्स बाय मिस्टर सिन्हा। 42 एक्टिव वॉइस इज भोजपुरी स्पोकन बाय हर इज तो डज ही स्पोकन भोजपुरी इसका सही आंसर हो गया बी। अगला देखेंगे 43 नंबर 43 नंबर है एक्टिव वॉइस ऑफ योर शू शुड बी टेकन ऑफ इसका सही आंसर हो गया टेकन योर शू ऑफ। अगला क्वेश्चन 44 पैसिव वॉइस ऑफ आई हेल्प्ड द ओल्ड ओमेन इज इसका सही आंसर हो गया डी। द ओल्ड ओमेन हैज बीन प्लेड हेल्प्ड बाय मी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कह रहा है चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन तो माया इज सफरिंग डैश इसका सही आंसर होगा फ्रॉम माया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। अगला क्वेश्चन है 46 सी इज नॉट डैश मी सी इज नॉट टू मी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन 47 नंबर फ्रेंड्स है शीला लिव्स डैश हर पेरेंट्स इसका सही आंसर हो जाएगा विथ शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 48 द रूम इज फुल डैश पीपल ऑफ पीपल इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे चूज द करेक्ट स्पेलिंग इसका सही आंसर हो जाएगा जूलियस इसका सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है टूरिस्ट इसका सही आंसर सी हो जाएगा TOURIST टूरिस्ट। ठीक है अगला क्वेश्चन 51 क्यूरेल इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 52 है फेरी इसका सही आंसर हो जाएगा FAIERY। ठीक है अगला क्वेश्चन हमारे पास है 53 वह बाजार गया ही हैज गोन टू मार्केट। यहाँ पे 54 तुमसे यह किसने कहा इसका सही आंसर हो जाएगा हु सेड दिस टू यू। यहाँ पे है तुमने गलती की यू हैव मेड ए मिस्टेक इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब हम लोग देखेंगे 56 नंबर आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि कितना आप लोग का सही हुआ कितना गलत हुआ। फाइनली फ्रेंड्स सारे आंसर हम सही बता रहे हैं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे ताकि आपको इसी तरह के नए वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। करा तस्वीर दीवार पर है द पिक्चर इज ऑन द वॉल। 57 ही डैश ए गोस्ट लास्ट नाइट सो ही saw a ghost last night। ठीक है 58 keep quiet
वी वेयर डैश द टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच स्ट्रिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा डी 59। यहाँ पे कह रहा है 59, देखिए यहाँ पे है द पोर्ट्रेट वाज डैश ऑन द वॉल, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा हग ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है रितेश डैश टुमारो, इसका सही आंसर हो जाएगा विल कम टुमारो, रितेश विल कम टुमारो, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सारे क्वेश्चन मैंने 100% सही बताया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, और आप लोग को कोई भी सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो उस सेट का अपलोड वीडियो जरूर करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक नए वीडियो को लेकर। जय हिंद, जय भारत।